मध्य प्रदेश के खरगोन में लगातार दो दिन से हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। लोग जान जोखिम में डालकर तेज बहाव में नदी पार करने का प्रयास कर रहे हैं। झिरनिया की रूपारेल नदी बाढ़ आने से खंडवा झिरनिया मार्ग अवरुद्ध हो गया। जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर झिरनिया में लगातार दो दिनों से रूपारेल नदी उफान पर है। नदी का पानी कम होने की बजाय चढ़ता गया। घंटों इंतजार के बाद भी बाढ़ का पानी नहीं उतरा तो राजपुरा निवासी एक युवक के सब्र का बांध टूटा और उफनती नदी में ही नदी क्रॉस करने के लिए उतर गया। बड़ी संख्या में लोग शोर मचाते रहे, लेकिन युवक ने सबकी अनसुनी करके नदी क्रॉस करने की कोशिश की। कुछ दूर तक पैदल जाने के बाद युवक बहने लगा। तेज बहाव के कारण लोग शोर मचाते रहे, लेकिन कोई बचाने नहीं उतरा। युवक बहते हुए नदी में समा गया। करीब आधा किलोमीटर दूर तक बहते हुए जाने के बाद युवक को तेज बहाव में नदी ने किनारे फेंका तो युवक किसी तरह बाढ़ से बच गया। बारिश से पहले पुलिस ने सभी पुल पुलिया के पास जवान तैनात करने का दावा किया था, लेकिन झिरनिया के रूपारेल नदी के पुल पर ना तो बैरिकेड्स की गई है और ना ही कोई पुलिस जवान तैनात है। लोग बेखौफ होकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।